हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया। इस निर्णय में क्या है? याद रखिए, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1992 में इलाहाबाद अधिवेशन के। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार 32 को। अगला है, किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? याद रखिए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पीवी पर मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए? तो द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होगा? होता है 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्री परिषद के बारे में। अगला है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय है? 97 विषय। अगला है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर। अगला है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अगला है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? 370। याद रखिए, 5 अगस्त को इसे हटा दिया गया। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अगला है, अप्रत्याशित व्ययों को पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। अगला है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह है।
अगला संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अगला है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। अगला, वित्त आयोग का गठन कौन गठन होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? अनुच्छेद 368 में। अगला है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन प्रसिद्ध आलोचक का था? C.E.M. जोड़ का। अगला है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। अगला है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? उल्लेखित है अनुच्छेद 257 में। अगला, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो यह स्वर्ण सिंह समिति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। अगला है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संविधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सहकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधान सभाओं ने। अगला है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह है 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। अगला है, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अगला है, लोकसभा सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के
परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? 2001 की जनगणना को। अगला है मूल अधिकार व राजनीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार बाद योग्य है जबकि नीति निदेशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघराज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखिए सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा यह कथन किसका है? केटी साहे का। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? 2 बार। अगला है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। तो याद रखिए 31 है राज्यसभा में, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, विधानसभा में 404 जिनमें 301 403 का होता है निर्वाचन, एक को राज्यपाल नॉमिनेट करता है। अगला है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्श दाता होता है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का कितना है? याद रखिए उत्तर प्रदेश का 31 है, एमपी का 11 है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ याद रखिए निर्वाचित सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? अनुच्छेद 149।
संविधान के किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सदस्यों संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई? बिहार में लोकसभा के लिए 40, राज्यसभा की 16 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1)(a) में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिए, संयुक्त की बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिश अधिकार। अगला है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। अगला है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। तो याद रखिए 25 हो गया, ठीक है, 2019 में 25 हो गए। अगला है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में याद रखिए 28 राज्य हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। याद रखिए 28 राज्य बचे हुए हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो यह कैबिनेट मिशन योजना को। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। अगला है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्र कुल का एक अधिराज्य। अगला है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। ये संविधान संशोधन 44वां हुआ था 1978 में। अगला राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में। अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला है भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। अगला है हमारा सामान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39A में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की पेड़ा पर आधारित है? तो यह कनाडा की। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे तो 6 सप्ताह है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अगला है भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो याद रखिए किप्स प्रस्ताव 1942। अगला है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी किपलानी। अगला यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो ये थे केसी हियर। अगला एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? फिलीपींस में मनीला शहर में। अगला वीयर ब्रॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? काले धन की निकासी। अगला ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। अगला शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। अगला सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंडक। अगला किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग जाति धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। अगला है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। अगला है सरकार उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्थान की 1949 में और इलाहाबाद की 1866 में। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? 39वां संविधान संशोधन 1975। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित वाद वर्णित है? तो अनुच्छेद 19। अगला है राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? याद रखिए तो यह राज्य सूची के विषय पर। अगला है सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। अगला है 42वें संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A में। अगला है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है भारत की संप्रभुता किसने निहित है? भारत की जनता में। अगला है विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो यह नेपाल। अगला है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी।
अगला है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संविधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से। अगला है, 2/3 बहुमत से, याद रखिए, तो राज्यसभा कर सकती है। अगला है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल को न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना चाहिए? 10%, याद रखिए, अभी लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है क्योंकि 10% सीटें किसी भी दल की नहीं आई। पिछली लोकसभा में भी कोई भी विपक्ष में विपक्षी दल का नेता नहीं था। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1940 को। याद रखिए, इस दिन अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली की अध्यक्षता में। अगला है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार, याद रखिए, इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। ठीक, अगला, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? 1976 में। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? वीवी गिरी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 360। अगला है, भारतीय संविधान को कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? नागौर, राजस्थान। अगला है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। अगला, कोरम बोलते हैं बैठक में 1/10, बैठक तभी शुरू हो सकती है, बैठक हो सकती है जब 1/10 सदस्य हो, ठीक है, इसे ही कोरम बोला जाता है। अगला, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिए, पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली, उसके बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। अगला है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला है, नए राज्यों के गठन तथा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। अगला है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा मंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अगला है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में। अगला है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन तक। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अगला है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। अगला है, केंद्र सरकार का संविधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को।
देशी नरेशों के वर्ष और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपन्न किया गया? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। अगला है, हमारा संविधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। अगला है, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। अगला है, लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026। अगला है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। अगला है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। अगला है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे व 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया है? 22 भागों में। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। अगला है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत का स्वरूप है संघीय राज्य। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है, यदि कोई सरकार निर्देशित तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अगला है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। अगला है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी?
1936 में अगला है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? छह। अगला है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? पांच प्रकार के। अगला है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 16 में। अगला है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर राजस्थान में। अगला है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई? अनुच्छेद 50। अगला है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बेबी। अगला है, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो लगभग 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। अगला है, संविधान की प्रस्तावनाओं में संशोधन करके क्या जोड़े गए थे? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? सदस्य होने थे तो ये थे 389। अगला है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? कैबिनेट मिशन की मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? 18 जुलाई 1947। अगला है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेख है? भारत, इंडिया। अगला है, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद धर्म निरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में किस प्रावधान की व्यवस्था की गई? इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णयों का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। अगला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। अगला है, 79वां व संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित। अगला है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा द्वारा। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान
दिया प्रस्तावना में। अगला है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई, व्यवस्था की गई थी, की गई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 72(1)(ग) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, केवल राष्ट्रपति। अगला है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद का अंतिम निर्णय किसका होता है, सदन के अध्यक्ष या सभापति का। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए, 5वीं अनुसूची में। अगला है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है, मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया, 7वां संविधान संशोधन। अगला है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं, उच्चतम न्यायालय के। अगला है, देश में 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से, दिल्ली और पांडिचेरी। अगला है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है, मात्र 2, याद रखिए 5 अगस्त को 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दी गई है। अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया, तो अनुच्छेद 23। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, गणतंत्र। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 124। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है, तो ब्रिटेन से। अगला, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला है, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है, यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया, 26 जनवरी 1957 में। जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 370 और 35 से हटा दिए गए हैं 5 अगस्त 2019 में। अब जम्मू कश्मीर में को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक, अब जो कानून पूरे इंडिया में लागू होंगे वो वहां भी लागू होंगे, अब कोई पाबंदी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। अगला है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अगला, फ्रांड देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 21 के तहत। अगला है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था, 7वां संविधान संशोधन। अगला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में की
हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव। अगला, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार द्वारा करता है? उसे कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। अगला है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी जी खरे। अगला है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। अगला है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषय की संख्या है 29। 29। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किससे किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री। अगला है, किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? 42वां संविधान संशोधन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। अगला है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत। अगला है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। अगला है, किसने कहा था कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है? तो ये थे दुर्गादास बसु। अगला है, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? याद रखिए, दो। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी वर्ष है? 65 वर्ष। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकार नहीं होता है? जब वह संसद का सदस्य नहीं होता। अगला है, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति के। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो नीलम संजीव रेड्डी का। अगला है, कौन कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। अगला है, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान ने इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। अगला है, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। अगला है, विदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राज्यपाल के समक्ष। अगला है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। अगला है, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए? संविधान के भाग 4A में। अगला है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ वाट योर अथॉरिटी है? तो एक वो वारंटो। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? 14 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो याद रखिए, नीलम संजीव रेड्डी। अगला है, राष्ट्रपति की अनुमति भेजे हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है?
संविधान से कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। अगला है 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। अगला है संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन होता है? प्रश्नकाल। अगला है किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया था? तो याद रखिए 29वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय की निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 के तहत। अगला है 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 दलों को। अगला है संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेद वार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? 15 नवंबर 1948। अगला है संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रख दी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 3। अगला है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 13 दिसंबर 1971 को। अगला है जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 2 माह के अंतर्गत। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा लोकसभा होंगे? तो ये अनुच्छेद 79 में दिया गया है, 79। अगला किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरोध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान दे सकता? अनुच्छेद 135 के अनुसार। अगला है किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? ये 80वें संविधान संशोधन 2000 में। संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू है। अगला किसी महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? महान्यायवादी को। अगला है संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए तो ये था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसे की भारतीय नागरिकता क्या होता है? भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला है किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला है धन विधेयक पर राज्यसभा की मिति उनके कार्यकाल के दौरान भी। माफ करिए यहाँ एक गलत छपा हुआ है। धन विधेयक पर राज्यसभा के पास अधिकार है, केवल सिफारिश का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो याद रखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन,
और फखरुद्दीन अली अहमद की। बंगला राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। तो याद रखिए राज्यपाल। बंगला जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटा दिए गए, तो अब जम्मू कश्मीर में कोई विशेष प्रावधान नहीं रहेगा। अब जो कानून पूरे भारत में लागू होते हैं वही यहाँ भी। राज्य के निम्न उच्च सदन को क्या कहे जाते हैं? तो याद रखिए क्रमशः विधानसभा, विधान परिषद। अगला है प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। अगला है महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। अगला है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। अगला है उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो याद रखिए पी के चन्मुखम चेट्टी। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधानिक सलाहकार थे? तो बी एन राव। अगला है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया गया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वधानिता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिए जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। अगला है किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संविधानिक अधिकार है। अगला है भारतीय सभा में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस शर्त में हुआ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 0, एक, कोई भी नहीं, ठीक है। अगला है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 18 भाषाओं को। याद रखिए 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दिए जोड़ा गया है, ठीक है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाया गया? अनुच्छेद 343, 343। अगला है संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 3 बार। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368। अगला है संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। अगला है संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। अगला है संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती मामले में 1973 में। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? भारत, इंडिया। अगला है भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पंजाब। अगला है वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू। अगला है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज।
अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की। याद रखिए प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। अगला है, संविधानिक संशोधन किस हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। अगला है, संसद में सभी प्रकार के संविधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं। अगला है, कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? यही है ऊपर वाला छप गया। ठीक, याद रखिए धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होती है, बाकी किसी में नहीं। ठीक, अगला है, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद की मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो वीवी गिरी। अगला है, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? नहीं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को कितने वेतन दिया जाता है? तो ये भारत की संचित निधि से। अगला है, संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। अगला है, संविधान के किस भाग में सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात की गई? प्रस्तावना में। अगला है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई? अभी तक एक बार भी नहीं। वित्तीय संकट का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। अगला है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर। अगला है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? संसद, विधानसभा या विधानसभा। अगला है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? कोई नहीं। याद रखिए, लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यहाँ बता दें कि 2019 की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र कुमार खट्टी और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं करंट में। अगला है, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ? तो 1969 में जब बीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। अगला है, 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। अगला है, यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। अगला है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। अगला है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, कितने राज्यों में दुई सदनात्मक विधानसभा है? तो उनके नाम है, याद रखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। याद रखिए पहले 7 में था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को 300 धारा अनुच्छेद 370 और 35 से हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश है दोनों। ठीक है, तो अब
कितने में? 6 में। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। याद रखिए, यहाँ तेलंगाना भी है, ठीक है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से 1978 में। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। अगला है, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रावधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74(1) में। अगला है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान के किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। अगला है, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। अगला है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? याद रखिए, प्रत्येक 5 वर्ष पर। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसने ने की? राष्ट्रपति ने। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो 34, 30। वर्तमान की बात करें तो एक 34 के लगभग हुए, 33-34, ठीक। भारत में द्वि सदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6। अगला है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितनी स्थान आरक्षित हैं? 79, 79। अगला है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय चुनाव से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2। अगला है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय कर सकता है उच्चतम न्यायालय। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गण राज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना हुई? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। अगला, संविधान सभा का संविधानिक परामर्शदाता कौन था? वीएन राव। अगला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? तो ये था संविधानिक उपचारों के अधिकार। अगला, किस लेख का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो ये अधिकार पेच्छा का। अगला है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है, मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। अगला है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक, दोनों का समन्वय है।
अगला है, भारत के आधार भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। अगला है, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? संवर्ती सूची। अगला है, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? भाग दो में। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में। अगला है, कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य कौन कौन थे? पैथिल लॉरेंस, स्टेफोर्ड किप्स, ए बी अलेक्जेंडर। अगला है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगला है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। अगला है, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा के। अगला है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? संवर्ती सूची। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताएं तो 3, बजट, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। अगला है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। अगला है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अगला है, राजमन्नार आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया? प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला है, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया? अखिल भारतीय सेवा। अगला है, जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राज्य न्यायालय के परामर्श से। अगला है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। अगला है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था। अगला है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? संविधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रेट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश करता है? परम आदेश। अगला है, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा? अधिकार प्रेक्षा। अगला है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? जम्मू कश्मीर में। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 338। अगला है, संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? 23वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत की संचित निधि। अगला है, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके प्रदान किया गया? संसद को। अगला है, किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार आरक्षित विधेयक को। अगला है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। अगला है, जिन विषयों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। अगला है, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचित में कांग्रेस की कितनी सीटें मिली थी? 204। अगला है, कार संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? मंत्रिपरिषद। अगला है, किसी सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? संवर्ती सूची के। अगला है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? 5 वर्ष। अगला है, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्वों को। अगला है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन होता है? होता है प्रश्नकाल। अगला
अगला है, भारतीय संसद को मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किस संविधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अगला है, संविधान के किस के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 352। अगला है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद समय को क्या कहा जाता है? याद रखिए शून्य काल। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान और भारत का राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को। अगला है, भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव करता है? संसद। राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति पद के लिए। अगला है, किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। अगला है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? एक। अगला है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं विखंड विकास अधिकारी। अगला, संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत। अगला है, भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सभा को। अगला है, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, उसका है प्रारंभिक अधिकार। अगला है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला है, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अगला है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए। तो याद रखिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अगला है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की। अगला है, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय या है या नहीं? परिवर्तनीय है। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में। अगला है, क्या उपराष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। अगला है, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है या कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? 213 राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत। अगला, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 78, अनुसूचित जनजाति के लिए 42। अगला है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 24। अगला है, संविधान की उद्देश्य क्या में विस्तृत प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्न भारत की जनता में निहित है। अगला है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। अगला है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1900
50 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राज कुल का एक उपनिवेशिक राज्य। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला है, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्य को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को। अगला है, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। अगला, 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? पांडिचेरी और दिल्ली। अगला है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। अगला है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। अगला है, किन परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अगला है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। अगला है, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अगला है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। अगला है, संविधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है? तो यह किसी भी सदन में। अगला है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती वाद 1973 में। अगला है, सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। अगला है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर को। अगला है, विभिन्न मंत्रालयों विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर सांवैधानिक सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 143। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया? 1 बार। अगला है, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। अगला है, संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशों को जारी कर सकता है? मंत्री परिषद की सहमति से। अगला है, भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया? राज्य सूची में। अगला है, लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। अगला है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। अगला है, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 बार में 1 वर्ष के लिए। अगला है, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा में समक्ष प्रस्तुत करना। अगला है, संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950।
अगला है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 में। अगला है, राज्यपाल पद ग्रहण करने के से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगला है, राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। अगला है, राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। अगला है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51। अगला है, भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश पद का समावेश है संवर्ती सूची में। अगला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से। अगला है, सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे का क्या तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर मिलने पर ही की जा सकती है? किसी संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखिए 44वें संविधान संशोधन के पश्चात। अगला है, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख पेशित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है? तो याद रखिए 24वें संशोधन 1971 में। अगला है, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 20। अगला है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। अगला है, भारत राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। यदि किसी राज्य का राज्यपाल दोस राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। अगला है, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। अगला है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। अगला है, संघीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिए राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यह कथन किसका था? तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब का। अगला है, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह से संबंधित। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण रिक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति महाभियोग किया थे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया? तो यह अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोजन के गठन के लिए। अगला, 1950 में योजना आयोग का गठन
कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 280। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, केसी नेयोगी। अगला है, किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो यह राजा मन्नार समिति। अगला है, संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? तो याद रखिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ याद रखिए, मेघालय मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगला है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ दिया गया? 7वीं अनुसूची में। अगला, 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो याद रखिए, 14। अगला है, भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। अगला, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946। अगला, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अगला है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? तो दोनों का समन्वय है। अगला है, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। अगला, तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। अगला, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और अतारांकित प्रश्नों के, तारांकित प्रश्नों के मौखिक और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित दिए जाते हैं। भारतीय गणराज्य का संविधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान से आए भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 6 में। अगला, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 20। अगला, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुशंसा। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन तिथि कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। अगला, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। अगला, सार्वजनिक धनुष का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? हैबियस कॉर्पस। अगला, न्यायालय प्रतिषेध रिट किस उद्देश्य से जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। अगला, 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। याद रखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार उनमें से हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया था? तो यह संकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। अगला है, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करती है? करता है मंत्रिपरिषद। अगला है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। अगला है, विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को।
अगला भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? सभा के भारतीय डोमिनियन की केंद्रीय विधानमंडल के रूस में कार्य करना प्रारंभ कर दिया रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अगला संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला है भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? भारत की जनता। अगला है भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? किप्स प्रस्ताव 1942। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अगला है संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की उदाहरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38। अगला है गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सम्राट का। अगला है भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। अगला है भारत के किन राज्यों का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार या लागू किया गया? जम्मू कश्मीर का 1957 में। लेकिन आपको बता दें, जैसे कि पहले बात कर चुके हम लोग कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटा दिए गए हैं। अब यहाँ कोई संविधान इसका नहीं रहा। अब जो प्रावधान पूरे इंडिया में लागू होंगे वही यहाँ भी। जम्मू कश्मीर जहाँ पृथक संविधान था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? तो भारत का राष्ट्रपति। अगला है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद का कोई भी सदन। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? ऋणों पर ब्याज का भुगतान। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। अगला है भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकता है? जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो। अगला है भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर बीएन राव ने। अगला, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन उसकी कार्यवाहियों में अधिकारता भाग ले सकता है? तो याद रखिए, भारत का महान्यायवादी। अगला, मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? केवल राष्ट्रपति को। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? तो यह अनुच्छेद 61। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। अगला, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। अगला, भारतीय शासन में धर्म निरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 15 और 25। व्याकथन किसने कहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना है जो लगभग परिसंकल्प है? तो ये थे प्रोफेसर के सी हियर। अगला, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किया जाते हैं? संसद द्वारा। अगला, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे?
जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये थे जीवी मावलंकर। अगला है वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला है संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी किपलानी। अगला है लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108 4 में। अगला, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के। अगला है संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया? अस्पृश्यता का। अगला है बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैथिली भाषा को। अगला है भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया? 1955 में। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला है राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 महीने तक। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की समेकित निधि से। अगला, संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाकघर आदि, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका समिति किस वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। अगला, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है? क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ। अगला, राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48 में। 48। अगला, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतांत्रात्मक है? प्रस्तावना में। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा सदस्य होना चाहिए? 6 माह। रिट शब्द किस भाषा का है? लेटिन का। अगला, उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्ला। अगला है, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त होने जाने के साथ साथ ही उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है, ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। अगला, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। अगला, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला, यदि संघ सूची बार एवं राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाए जो उस पर किस सूची के विषय की प्रमुखता दी जाती है? संघ सूची के विषय को। अगला, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है, क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं। अगला, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74(1) में। अगला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी
स्वतंत्रता निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? संसद द्वारा। अगला है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्च न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, प्रतिषेध, उत्पेषण, प्रेषण और अधिकार पेक्षा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। अगला है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला विज्ञान सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो याद रखिए कुल संख्या का 1/12 है। अगला, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो भारत के महालेखा परीक्षक का। अगला है राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयु की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो याद रखिए यह है वित्त आयोग। अगला, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? तो याद रखिए 1/3 सदस्य। अगला है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किसके पास है? केंद्र सरकार की। अगला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 20 में अनुच्छेद 368। अगला, लोक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसमें 7। अगला, किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं? तो 1/3, 1/3। अगला, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1971 में। अगला है 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश। अगला है 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 23। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना दिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 में। अगला है भारतीय संविधान निर्माण के गठित संविधान सभा में संविधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। अगला है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अवधि घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। अगला है भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। अगला है संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति। अगला है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला है लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां। अगला है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला है जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। अगला है भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय। अगला है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला है पंचायत का चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। अगला है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1972 की जनगणना पर आधारित है, यह एक निर्धारण वर्ष किस वर्ष तक यथावत रहेगा? याद रखिए 2026 तक। चलिए तो हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर।
लोक स्वास्थ्य, सड़कें, पुल संविधान की 12वीं सूची अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है अनुच्छेद 243 वा से। अगला संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। अगला 21 अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते का वर्णन है तो अनुच्छेद 106 में। अगला जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। याद रखिए इसे हमेशा, जम्मू कश्मीर में अब कोई संविधान उसका नहीं रह गया, इसे हटा दिया गया 2019 में 370 और 35 को। अगला है जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ 24 अप्रैल 1994 में। अगला है सरकारी कमीशन द्वारा संस्तुति की गई कि अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया धारा 263 के अंतर्गत। अगला है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धर्म विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला है भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता है राष्ट्रपति। अगला संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हट निकाल दिया गया तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला है भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता यह सिद्ध कथन किसका है विंसेंट स्मिथ का। अगला है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी टिक्की अपनाई जाती है साधारण बहुमत। अगला सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। याद रखिए रूस को पहले सोवियत संघ बोला जाता था। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद नियुक्ति को विवेचित करता है तो अनुच्छेद 75। अगला है कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है तो यह नीति निर्देशक तत्व। अगला है भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को वरीयता प्राप्त की गई 42वें संविधान संशोधन। अगला है नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है अनुच्छेद 16। अगला है संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। अगला है लोकसभा में राज्यवाद सीटों का आवंटन 1970 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किया गया कि किस वर्ष तक यह यथावत रहेगा 2026 तक। यहाँ रखिए यह याद रखिए 1971 है न कि 1970 है। साथ यहाँ है एक उसके बाद। अगला है लेखानुदान क्या होता है तो यह नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान। अगला है संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है तो याद रखिए विनियोग विधेयक। अगला है भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया भारत सरकार अधिनियम 1955 में। अगला है संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है एक बार। अगला है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन को। अगला है कार संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है मंत्रिपरिषद। अगला है 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द एक का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस
अनुच्छेद में किया गया था, अनुच्छेद 25(2) में। अगला, अस्पष्टता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया, अनुच्छेद 17। अगला, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, 4थी अनुसूची में। अगला, संविधान के किस संशोधन में डोगरी, पैथली, संथाली तथा बोडो भाषा को सम्मिलित किया गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई है। अगला, 1989 में सिविल सर्विस परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन किया गया था, 37। अगला, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के वो आरक्षित होते हैं, 1/3, 1/3। अगला, स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के सव्यवहार व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है, संघ सरकार द्वारा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 233। अगला, किस उच्च न्यायालय ने में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सबसे कम गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है, सबसे ज्यादा इलाहाबाद में। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 108। अब तक कितनी तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक द्वारा पारित किए, 3। याद रखिए, दहेज विधेयक 1961, बैंक कारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978, आतंक विरोधी विधेयक 2002 पोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया गया। अगला, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला, लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो याद रखिए अनुच्छेद 51। अगला, किसी एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, तो याद रखिए संवैधानिक उपचार के अधिकार। अगला, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित नीति से वैसे राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है, वित्त आयोग। अगला, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, तो याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो याद रखिए अनुच्छेद 350 काम है। अगला है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तत्व के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है, जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, तो याद रखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा अंग राष्ट्रपति। अगला, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया संविधान की प्रस्तावना में। अगला, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे, 1964 से 66। अगला, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया, 73वें संविधान संशोधन। अगला है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है, इको मार्क। अगला, संसद में भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया, जुलाई 1977 में पारित किया था और पुनः लागू किया 1980 में। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है,
बताइए कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। अगला संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनियमन बनाने की शक्ति द्वारा, अनुच्छेद 240 के तहत। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत। अगला क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं? अगला है भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा को करके दिया गया? तो याद रखिए 73वां संविधान संशोधन 1952 में। अगला है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। अगला है केंद्र सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ दिया गया? 7वीं अनुसूची में। अगला है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से? भारत तथा इंडिया। अगला है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। अगला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? कानून। अगला जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। अगला भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। अगला संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। अगला है संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला है मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अगला है भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया जिसको भारत के लिए एक संविधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली को। अगला है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र देश के किसी राज्य के निवासी को स्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाता था? अनुच्छेद 370। पहले भी बात कर चुके हैं कि 370 को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है, लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा दत्त अधिकारों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 20 और 21। अगला है कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों को का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 352। अगला है महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा। अगला, यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती? अध्यक्ष को सारी शक्तियां प्राप्त होती है। अगला, पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना चाहिए? आवश्यक है 10 लाख। अगला, संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थाई संसद तथा कुछ अन्य अस्थाई प्रावधान तुरंत यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। अगला, पंचायती राज को संविधानिक स्वरूप कब दिया गया? सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देता है कि अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, इसका पदेन सभापति है। अगला, केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवादों के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। अगला, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? निर्धारित नहीं है। दमन द्वीप तथा पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रशासक। अगला, संविधान के संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई 31वें संशोधन 1973 द्वारा। अगला, जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य जिसका अपना निजी संविधान था। यह संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था जिसका गठन राज्य सरकार ने किया था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। अगला, भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है संसद की। अगला, किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी प्रावधान थे? तो 52वां संशोधन 1985। अगला, भारत की संविधान गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले तथा 1945 में वेवल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला, संविधान को 22 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज
सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय अपनाने की घोषणा की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया? तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा लिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1979 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ठीक है, यहाँ 78 है। अगला, उसकी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 28। अगला, शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? संविधानिक उपचारों का अधिकार। अगला, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1973। अगला, संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व है आयरलैंड, संघीय शासन प्रणाली कनाडा, आपातकालीन उपबंध जर्मनी, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांसीसी, मूल कर्तव्य सोवियत संघ, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है, संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली कहां से प्रेरित है? तो याद रखिए वेटेम से। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन को। इसे इसलिए कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बहुत से प्रावधान जोड़े गए संविधान में। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? 1960 में। अगला है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखिए पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो याद रखिए केवल अनुच्छेद 39 का और खा और गा के क्रियान्वयन के, गा और खा याद रखिए। अगला है, वैटिक व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो अनुच्छेद 14 में। अगला है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में अधिकारता भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। अगला, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संविधानिक रूप से किसके पिसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। अगला, कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन। अगला, राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित हैं परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। अगला, कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश 80 और राज्यसभा में 31, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया? तो संविधान द्वारा अनुच्छेद 83। अगला, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अगला, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। अगला, भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। अगला, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 वर्ग
का खागाग थे। ये विवरण कब समाप्त किए गए? 1956 में। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द कब जुड़े? धर्म निरपेक्ष और समाजवादी, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला है, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो ब्रिटिश सम्राट का। अगला, केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती है? तो थी कर सकती थी, तो अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकाल व्यवस्था, जैसा कि पहले बता चुके हम, ये अब 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दिए गए। अब जो प्रावधान पूरे इंडिया में लागू होते हैं वही जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं, अब कोई प्रतिबंध नहीं। अगला, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला, अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार वाले भाग से हटा निकाल कर किस स्थान दिया गया? अनुच्छेद 300 का में। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अगला, संसदीय विशेषाधिकार विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय? संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। अगला, यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा? वाल्टेयर। अगला है, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? अनुच्छेद 75(3)। अगला, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए नियत संख्या है सदन की सदस्यता का 10वां भाग। अगला, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय का पुनः अभिपुष्टि हुई? केशवा नंद भारती मामले। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में। अगला है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। अगला है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है तो विधायिका के विधि। अगला है, भारतीय संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में। अगला, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से। अगला, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। अगला, केंद्र एवं भारत के राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण संबंधी तीन सूचियों के नाम बताइए? तो यह संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ति सूची। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने तथा अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। अगला है, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राजव्यवस्था के किस पहलू से? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। अगला है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? गोलकनाथ मामला 1967 में। अगला है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया वह है 73वां संविधान संशोधन 1952। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? ब्रिटिश शासकों ने। अगला है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में। अगला है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री की। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है?
तो ये थे मैकाइवर। अगला है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसके किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राष्ट्र सूची के किसी विषय पर राष्ट्रहित में कानून बना सकता है? अनुच्छेद 249। अगला है, किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान्यायवादी। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आप बहस किस स्तर पर होती है? द्विवाचन, द्वितीय वाचन। अगला है, अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है यह कथन है अरस्तु का। अगला है, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार था कैबिनेट मिशन के पास। अगला है, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश कब की थी? 1967 में। अगला है, भारत में व्यय लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार। अगला है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई? संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। अगला है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित वर्धित हुई? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। अगला है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया? प्रथम अनुसूची में। अगला है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधन के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अगला है, आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। अगला है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 का। अगला है, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है वर्ष 1977 में। अगला है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती का मामला 1973। अगला है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। अगला क्वेश्चन है, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति की। अगला है, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया, इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959। अगला है, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, वर्तमान में
आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार दो बार उपराष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तथ्यों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? 44वें संविधान संशोधन। संविधान का 89वां व संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से। अगला है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला है, भारत के संविधान की 34वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित कार्य जानकारी वर्णित। आपको बता दें कि अभी जो 2019 में एक विधेयक आया हुआ है उसके अनुसार अगर अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का अध्यक्ष एसटी के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को भी नामित किया जा सकता है। याद रखिए, अभी ये संशोधन विधेयक है, अगर पारित हो जाता है तो ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? पहली अनुसूची में। अगला, किस अधिकार को डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ने द्वारा संविधान की आत्मा कहा था? वह संविधानिक उपचार का अधिकार। अगला है, अवशिष्ट शक्तियां विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास। अगला है, संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? संवर्ती सूची में। अगला है, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 के दिन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे। अगला है, सदन के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिए, और इसे बुलाता है राष्ट्रपति। अगला है, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? लोक लेखा समिति के। अगला है, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला है, किस राज्य के विधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। अगला है, राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला है, ब्रिटिश सरकार से राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट से ने स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधान को। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। अगला है हमारा, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? अगला है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। अगला है, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र। अगला है, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से।
अगला है, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का। अगला है, विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? संचित निधि से। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 315 के। अगला, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 प्रावधानों के अंतर्गत। अगला, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकृत है? अनुच्छेद 108 में। अगला, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा विवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। अगला, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? 6 महीने। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 335। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की किस आयु से अधिक होने पर नहीं बन रहे सकते? 70 वर्ष। अगला, वह रेट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है? परमादेश रेट। अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियां विशेषाधिकारों तथा पीवी परिषद को समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ऐसी किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगला, हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? तो याद रखिए, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियां? तो लगभग 442 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र में बनाया गया? 1962। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। अगला, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिश को मानने को बाध्य है? नहीं। अगला, को लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले? अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। चलिए, तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से संबंधित ज्यादा न्यूज आ रही, तो इसमें आप स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस। तो आपको बता रहे हैं हम कि जम्मू कश्मीर से जो भी प्रावधान हटे हैं, जो थे, पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वीडियो बना चुके हैं, इससे संबंधित हम बात कर चुके हैं, स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस पीसीएस पीएससी, इसी प्ले स्टोर में जाइए, उसी में दिया गया है जम्मू कश्मीर से संबंधित जानकारी, आर्टिकल 370 के बारे में, आर्टिकल 370 35 से जो अभी खत्म हुए हैं उससे संबंधित जानकारी सब कुछ उसी में मिल जाएगा आपको, तो उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। भारत में सार्वभौमिक
बॉम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत के संविधान द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3। अगला है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अगला है, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अगला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। अगला है, संविधान की 4वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? यह राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधि से संबंधित। अगला है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। अगला है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 में। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगला है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। अगला है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनकी जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो यह 52वां संविधान संशोधन। अगला है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में किया गया था? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। अगला है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की स्थिति लागू हो। अगला, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। अगला है, दल विरोधी से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल के आधार पर आयोग्यता संबंधी प्रावधानों से, याद रखिए 10वीं अनुसूची है इससे संबंधित। अगला है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अगला है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? 2001 को। अगला है, भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं, यह सदस्य किससे का प्रतिनिधित्व करते हैं? एंग्लो इंडियन समाज का। अगला है, संविधान सभा के सत्तावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। अगला है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। अगला है, आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल का। अगला है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। अगला है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। अगला है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी?
यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो ये थे केटी साहिल। अगला है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो ये था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नेहरू जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया? नागौर राजस्थान में। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? अनुच्छेद 17। अगला है, लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? 13 सदस्य। अगला है, 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से। अगला है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? संविधान के कुल कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया विधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। अगला है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। अगला है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला है, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त था? तो राज्य के विधानमंडल को। अगला है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? 6। अगला है, विधानसभा के सत्तावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद सभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह। अगला, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। अगला है, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। अगला है, किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। अगला है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। अगला है, एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी किपलानी। अगला है, 15 अगस्त 1947 को से 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश के राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। अगला है, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। अगला है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। अगला, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। अगला है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश संबंधित रही है? यह स्वर्ण सिंह समिति। अगला, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। अगला है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद। अगला है, अपने पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के। अगला है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक। अगला है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
यहाँ याद रखिए निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, केवल। अगला है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है, लोकसभा के सदस्य। अगला है प्राकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 14। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है, तो यह 22 भाषाएं। अगला है संविधान के 44वें संविधान संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया, तो यह संपत्ति के अधिकार को। चलिए, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर, क्वेश्चंस और उनके आंसर। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार से की जा सकती है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। अगला है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है, तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अगला है वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दल है, तो 7। बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। आपको बता दें 8वीं पार्टी भी 2019 में, याद रखिए, तो 8वीं पार्टी है जो वो बनी है नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी पीपी की नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी जिसे बोला जाता है, इसकी स्थापना की थी पीए संगमा ने, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी है और वैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। आपको बता दें कि किन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, या फिर यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है, या फिर यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था, तो याद रखिए मुस्लिम लीग ने। अगला है संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार पद पर नियुक्ति की गई थी डॉक्टर बी एन राव की। अगला है 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार और फिर 6वां संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। अगला है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत का भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है, बलवंत राय मेहता समिति। अगला है विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है, 10 वर्ष तक भारत में निवास। अगला है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भाग 3 में।
अगला है 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, तो यह संपत्ति के अधिकार को। अगला है हमारा किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। अगला है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 20 में। अगला है संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, 11 है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों में वर्णित है, तो 149 अनुच्छेद में। अगला है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1956 में। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसका क्या मतलब है, सर विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम की संविधानिक पर निर्णय देने की शक्ति। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 88। अगला है लोकहित के मुकदमों की पुनः स्थापना में उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया, तो न्यायमूर्ति PN भगवती ने। अगला है संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है संविधान सभा का गठन किसकी संतति पर किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना की संतति पर। अगला है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर। अगला है आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए, 1 माह के अंदर। अगला है राज्य का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है, वित्त आयोग की संस्तुति पर। अगला है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक में कार्य करता है, लोकसभा अध्यक्ष के। अगला है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला है संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था किस बाद में दी थी, केशवानंद भारती बनाम बाद में। अगला है भारत में राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है, निर्वाचन आयोग। अगला है संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है, संसद को। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। अगला राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है, 50 सदस्यों द्वारा। अगला लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला संविधान को 26 जनवरी दिन लागू करने का क्या कारण था, कांग्रेस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के। अगला भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार है, सदन के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। अगला है किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, तो याद रखिए वित्त विधेयक पर। लेकिन याद रखिए धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का। अगला है लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है, संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। अगला है दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य को योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, वे था तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। अगला विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए
विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला, यदि किसी विधि या संविधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। अगला, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के। अगला, राज्यों की सूची के किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी? क्या यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये थे केटी साहन। अगला, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के। अगला, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। अगला, लोकसभा पर राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? लोकसभा में 552 व राज्यसभा में 250। अगला, किसी लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? तो 14वीं लोकसभा चुनाव में। अगला, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखिए केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा की सभी सदस्य मनोनीत प्लस निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो याद रखिए अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को विस्तार से बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, उपराष्ट्रपति का अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला है, नवी अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसे पहले भी देख चुके हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगला, न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरोध दर्ज शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। अगला है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? अनुच्छेद 19 में। अगला है, भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? धारा 30A।
अगला है संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? प्रत्येक नागरिक का। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? 50 सदस्यों की। अगला है संपत्ति का अधिकार अब तक किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत किस कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? फिर धर्म या भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की अनुसूची से निकाल दिया गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। अगला है भारतीय संविधान उन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चों और महिलाओं को। अगला है भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला है संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई? राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में। अगला क्वेश्चन है भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। अगला है प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। अगला है भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल में कितने दिन सत्ता में रहा? 13 दिन। अगला है भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार की नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अगला है लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल को पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला है उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। अगला है भारत का संविधान शेष शक्तियां किसे प्रदान करता है? संघीय सरकार को। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो याद रखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है? भारत का महान्यायवादी। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो यह लोक लेखा समिति से। अगला है संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? संसद की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? 1962 में। अगला है राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? 1975 में, इंदिरा गांधी के समय। अगला है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितनी समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? 6 माह तक। अगला है प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। अगला है लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? स्पीकर के। अगला है संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14। 12 हो सकते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में 2। अगला है यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित ना हो तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। अगला है किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। अगला है आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? 6 माह के लिए। अगला है राज्य सूची के
किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। अगला है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? केशवानंद भारती बांध। अगला है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया? तो है हम भारत के लोग को। अगला, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 51 राष्ट्रों ने। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352। अगला है, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत के निर्वाचन आयोग को। अगला है, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में। अगला है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो है वित्तीय आपातकाल की स्थिति लागू करने का। अगला, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति। अगला, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। अगला, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 1951 में। याद रखिए, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। अगला, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को हल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष को अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 23। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। अगला है, संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वैश्याओं तथा सैनिकों को। अगला है, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुल पति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला है, बीआर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहां से हुआ था? बंबई से। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। अगला है, संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बीएन राव को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला है, हमारा अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंब किया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ने। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, भारत के संविधान में
प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आजादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 में। अगला है, एक किसी एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा तो संविधानिक उपचार के अधिकार को। अगला है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता है? 1, 2, 3। ग्राम सभा, पंचायती समिति, जिला परिषद सही वरीयता है। अगला है, संविधान का 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के को वैधानिक दर्जा देने से संबंधित। अगला है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। अगला है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला है, भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला है, भारत में किए किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? संसद की अनुमति से। अगला है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता है? राष्ट्रपति। अगला है, भारत का 73वां पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। अगला है, राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। अगला है, भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना राज्य अलग संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब नहीं है, 2019 में हटा दिया गया है 370 और 35A को। एक बार जरूर आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें, पिछला लेक्चर, जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी जानकारियों की बात की गई है, तथ्यों की। आपको बता दें, स्पेशल वीडियो फॉर IAS PCS में प्लेलिस्ट में होगा वो, ठीक। अगला है, फोकेट बिटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो प्रमाणित करता है, ना ही स्वीकार करता है, और ना ही उसे लौटाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया? अनुच्छेद 32 को। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट्स वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा? TT कृष्णमाचारी। अगला है, मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? KT साहे ने। अगला, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य कर सकते हैं दोनों तरह के। अगला है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन है, बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? उपराष्ट्रपति के। अगला है, आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 6 माह तक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। अगला है, संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए।
अगला है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को, ये 1976 में हुआ था। अगला, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला, कौन सा सदन संसद का अनन्य भाग नहीं है? वो राष्ट्रपति। अगला, संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की के गठन की व्यवस्था से। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? संसदीय प्रणाली। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला, 21 संविधान संशोधन के द्वारा किसी किने विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में। अगला, संविधान के किस विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? केवल राज्य सभा में। याद रखिए, संविधान संशोधन का विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। अगला, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। अगला, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रक कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। अगला, संविधान के मूल ढांचे की संशोधित नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में दी? केशवानंद भारती बाद में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। अगला, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। अगला, राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? राज्यपाल के 7 पर्यंत। अगला है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। अगला है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, लोकसभा सदस्य का अपना त्यागपत्र किसने देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के। अगला, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। अगला, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला, संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त? संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था, लेकिन अब बता दिया कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को 35 से हटा दिया गया है। फिर एक बार सलाह देता हूं मैं कि एक बार पिछला लेक्चर जरूर देख लें जम्मू कश्मीर से संबंधित, जो स्पेशल वीडियो फॉर ISPCS प्लेलिस्ट में शामिल है, उस वहां जाके आप देख सकते हैं। अगला है, हम अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन अपने उसके पद को गौरव प्रतिष्ठा से विभूषित किया है, यह विचार किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को।
अगला संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक। अगला, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में बहुमत दल की नेता के परामर्श से। अगला, लोक हित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित के किसी मामले को किसी न्यायालय द्वारा न्यायालय में ले जाने की। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिए निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारे संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर।